हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ फेल रिपोर्ट कहाँ पे देखी जाएगी। तो पॉइंट ऑफ फेल रिपोर्ट क्या होती है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आप पॉइंट ऑफ फेल के थ्रू करते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ फेल कहाँ पे यूज़ होती है, सुपरमार्केट्स पे, हाइपरमार्केट्स पे, या फिर बड़ी से बड़े शॉप में जहाँ पे तेज़ी से बिलिंग होती है वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ फेल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी बीमेट पे, ये जान सकते हैं आप। तो रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड के टूल बार के ऑप्शन पे। तो रिपोर्ट्स को क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ फेल रिपोर्ट। तो इस पॉइंट ऑफ फेल रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शंस नज़र आएंगे यहाँ पे, वो है डिटेल रिपोर्ट, डेट वाइज समरी, एज वेल एज मंथ वाइज समरी। तो पहले यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करें कीजिए। डिटेल को क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप आज के डेट पे कितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं उसकी रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो जाएगी। तो हर एक डिटेल्ड रिपोर्ट, आपको हर एक बिल की डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे डेट, आज के डेट पे ये कौन सा बिल नंबर है, किसके नाम पे रेज हो चुका है, एंड कितना पे किया हुआ है, कितना कैश पे किया है या फिर कार्ड पे किया है, ये डिटेल मिल जाएगी आपको। उसी तरीके से आपको कल की रिपोर्ट देखनी है या फिर इस मंथ की रिपोर्ट देखनी है, कोई भी डेट की रिपोर्ट देखनी है, आप यहाँ पे चेंज पीरियड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। कोई भी मंथ फ्रॉम या टू में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेट सेलेक्ट करना चाहेंगे तो डेट को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट की आपको रिपोर्ट यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे अदर फिल्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि यूज़र की फ़िल्टर। यूज़र की फ़िल्टर मतलब अगर एक सिस्टम पे एक यूज़र बिल कर रहा है तो एक और सिस्टम पे कोई और यूज़र बिल करेगा, तो एक और यूज़र की बिल के अंडर कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस यूज़र को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंडर कितने बिल्स हुई हैं उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको कैश पे कितने आज ट्रांजैक्शंस हो गई हैं या फिर कार्ड पे कितने ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, आप यहाँ पे पेमेंट मोड पे देख सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट की डिटेल हो चुकी है। एंड आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके आप एक्सेल पे देखना चाहते हैं तो एक्सेल के बटन को यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट को क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट को क्लिक करते आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट एक्सेल पे लोड हो चुकी है। अगर सेव करना चाहेंगे तो आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से ही आप प्रिंट देना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रिंट की बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ प्रीव्यू दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू लोड हो चुकी है। अगर प्रिंट देना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। तो ये हो गई पॉइंट ऑफ सेल की डिटेल रिपोर्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तभी बताया, डेट वाइज रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। आज की डेट पे कितनी बिल्स हो चुकी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस डेट को आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो आपकी अमाउंट के बराबर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको डबल क्लिक करते ही आपको वो डिटेल्ड रिपोर्ट लोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको मंथ वाइज समरी भी यहाँ पे देख सकते हैं। आज के मंथ में, मतलब इस मंथ में, अक्टूबर में कितनी हो चुकी है, नवंबर में कितनी हो चुकी है, मंथ वाइज की रिपोर्ट आप देख सकते हैं मंथ वाइज रिपोर्ट पे। तो इसको डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये डेट वाइज पे जाएगी। कल के डेट पे कितनी बिल हो चुकी है, परसों के डेट पे कितनी बिल हो चुकी है, डेट वाइज रिपोर्ट पे फिल्टर हो जाएगी। इसको डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट पे फिल्टर हो जाएगी। अगर इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो अब डायरेक्टली आपकी इनवॉइस लोड हो जाएगी। ये हो गई हमारी पॉइंट ऑफ सेल की रिपोर्ट की क्लैरिफिकेशन। जो भी डाउट है, जो भी क्लैरिफिकेशन है, आप कस्टमर केयर के कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प के ऑप्शन को जाइए, अबाउट सारा बीमेट, यहाँ पे 8722033666 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर केयर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर टिकट भी रेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।